Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English workbook. It is going to be another practice session for all of you और आज हम कुछ connectors और starters के questions practice करेंगे. काफ़ी छोटा सा practice set है and I hope कि आप सभी बहुत अच्छे से ये questions attempt करें. Also ये timer based practice है, so आप कोशिश करना कि जो time आपको दिया जाता है उसी में बने रहते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करें. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु डोंट नो मी, तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ एंड आई डू टेक सम सेशंस ओवर हियर व्हेनेवर आई गेट टाइम. और अनअकैडमी पर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो एग्ज़ाम की, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेड बी UPSC और PSC, SSC, बैंक एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम आपके माइंड में आते हैं वैन इट comes to competitive exams. For now, मेरी category bank exam है और subscription लेकर आप अपनी studies कर सकते हो, preparation कर सकते हो आराम से घर बैठे, जिसमें live classes, PDFs, doubt clearing sessions मिलते हैं और top educators के द्वारा जितने भी courses होते हैं all the courses are open for you. हमारे completed courses भी open होते हैं, so make sure कि आपकी preparation में कोई कमी ना रहे. Whatever is the situation outside, आप घर से सेफली अपनी पढ़ाई कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो A to Z, प्री हो, मेंस हो, वट एवर इट इज़. सो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, इसके लिए एक लिंक डायरेक्टली आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड सब्सक्रिप्शन इज़ वेयर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट. और सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट जो है, प्राइस जो है, वो 31st से बढ़ने वाली है. सो आफ्टर दिस डेट इट विल बी एटलीस्ट कपल ऑफ हंड्रेड्स मोर देन अभी जो आप देख पा रहे हो. तो मेक श्योर कि अगर आपका प्लान है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा एंड मेक श्योर कि आप एक प्लान ज़रूर ले लें. 6 months, 12 months या 24 months बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर हो जाता है. साथ ही साथ आप एक कोड का यूज़ कर सकते हैं NJM10, इससे आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाता है. तो मैंने यहाँ लगाया हुआ है कोड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10% आप ऑलरेडी ऑफ है. इट्स लाइक 6000 जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 5400. मे बी आई जस्ट मूव somewhere. So आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 5400 है एंड सिमिलरली 6480 है. सो ये आपके ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है जब मैंने NJM10 कोड लगाया. इस बात को दिमाग में रखिएगा कि 31st of December के बाद में प्राइस बढ़ जाएगा. Now let me quickly take you to the questions without any delay. Make sure to subscribe the channel, hit the bell icon and do like and share the video. एज ए से टाइमर बेस्ड होगा तो मैं आपको जल्दी से टाइमर दे देती हूँ. आपके पास इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना एंड आई एम गोना गिव यू अराउंड 50 seconds टू डू दिस क्वेश्चन. और SBI PO Pre में, IBPS PO Pre में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट ये आपको RRB मेन्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. टाइम अप. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, द गिवन ऑप्शंस मे और मे नॉट बी स्टार्टर्स. हो सकता है स्टार्टर्स हो सकता है ना हो, लेकिन ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं और इनसे जो कनेक्ट करा हुआ पोर्शन है, जैसे यहाँ पर वी हर्ड से बिकॉज और मोर ओवर जुड़ा है और एग्जिस्टिंग से, यूजिंग एग्जिस्टिंग से आपका वाइल जुड़ा है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सी कि सेंटेंस कैसे बन सकता है. सबसे पहले तो आप ए को शॉर्ट में समझोगे, बोला जा रहा है यूजिंग एग्जिस्टिंग लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फ्री. तो शॉर्ट में बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फ्री. और बी में बात बोल रहा है वी हर्ड अकाउंट्स फ्रॉम द विमेन दैट दे आर स्टिल ऑफन मेड टू पे
they are made to pay, it should be free, लेकिन फिर भी they are made to pay by company personal. तो यहाँ पे तो उल्टी बात हो गई, एक दूसरे को clash करती हुई बातें हो गई, contrast में बात हो गई. Contrast बताने के लिए केवल एक ही है यहाँ पर, जो कि है while, because cause और effect को बताता है. और moreover एक में एक चीज़ add करनी रहती है तब हम use करते हैं. इनिशियली ही सेंटेंसेस का रिलेशनशिप जो है, एक तरफ बोलते हैं फ्री होना चाहिए, दूसरी तरफ दे आर मेड टू पे, तो ये तो ऑपोजिट बातें हो गई. सो वाइल से हम इसे जोड़ सकते हैं. वाइल यूजिंग लॉगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फ्री कॉमा वी हर्ड अकाउंट्स फ्रॉम विमेन, हमने उनसे कहानियाँ ऐसी सुनी है, किससे सुने हैं, कि दैट देवर स्टिल often made to pay by company personnel. तो यहाँ पर आप सीधा कॉमा लगाकर बी वाला सेंटेंस बोल सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन 50 seconds विल बी गिवन टू यू. Time up. It's first, second and third, all three of them. देखो ये जो family है ये साथ साथ चलती है और इनकी location, इनकी position भी एक जैसी होती है. जो भी part contrast में जाने लगता है उसके पहले however लगाओ, yet लगाओ, but लगाओ, तीनों ही contrast को बताते हैं. तो at least आपको पहली चीज़ ये ध्यान देनी है कि however, yet and but ये तीनों contrast बताते हैं. And ये जुड़े भी एक ही portion से हैं, which is your second one. As it was given, they may or may not be starters. तो A आएगा, in villages with access to rural or urban markets, women fish and collect shells and crabs to sell. तो ये women mainly क्या कर रही हैं, ये सब sea related items collect कर रही हैं और sell कर रही हैं, ठीक है. Side effects of logging such as sedimentation and oil spills often force women to reconfigure these ways they provide for their families. एक तरफ तो यही हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इन्हीं को बोला जा रहा है कि often force women to reconfigure these ways, उनको वापस से बदलाव लेकर आना पड़ेगा. सो ये दोनों बातें आपस में लेकिन की कंडीशन को डाला जा रहा है, बता रही हैं. However, the whole sentence will go. However, जो side effects हैं logging के, वो उनको कुछ काम के लिए मजबूर कर रहे हैं. Women ही हैं जो कि ये सब काम करती हैं. Yet, फिर भी, लेकिन side effects हैं जो उनको मजबूर कर रहे हैं. But ये side effects हैं जो उन्हें मजबूर कर रहे हैं. So, ये access to these markets यही हैं जो काम करने वाली हैं. लेकिन दूसरी जगह उनको अपना रास्ता, तरीका बदलना पड़ रहा है. That's how we see the contrast over there. Move on to the next one. I'll give you 4 extra seconds. Done. Again,
आपको फैमिलीज पता होना चाहिए. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े कनेक्टर्स, सो आई डू हैव अ सेशन ऑन कनेक्टर्स. आई विल ट्राई पिनिंग इट समवेयर ओवर हियर. ओके, एंड आप वहाँ से कर सकते हो कवर. आप फैमिलीज पता होंगी तो आपको एटलीस्ट इतना पता रहेगा, जैसे बट है, हाउएवर है, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, दोनों अगेन एक ही जगह लगकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं. तो अगर बट सही है तो ऑटोमेटिकली हाउएवर सही है, क्योंकि पोटेंशियल इज लिमिटेड, यही लाइन से जुड़ा हुआ है वो. Whereas moreover बताता है किसी चीज़ में किसी चीज़ का addition. तो पहला sentence बोलता है short में, समझें अगर, honey gatherers who export most of their product to Malaysia earn approximately IDR 90 million from each harvest. काफ़ी बड़ा amount ये लोग earn कर रहे हैं. Potential is limited because only some people are willing and able to climb 50 meter high trees. एक तरफ इतना अच्छा एडवांटेज और दूसरी तरफ कि इतने अच्छे एडवांटेज में पोटेंशियल इज लिमिटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उतना ऊपर क्लाइंब नहीं करना होता है. तो ए इज गोइंग इन कॉन्ट्रास्ट विद बी, क्योंकि ए का लॉजिकल चीज़ क्या है, अगर इतना पैसा मिलता है, एक्सपोर्ट होता है, तो फिर बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए. लॉजिक सेज दैट, बट बी तो और ही उल्टी बात बता रहा है हमें कि इसमें बहुत ही कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं जो कि आगे बढ़ते हैं. इस वजह से बी जो है वो ए के कॉन्ट्रास्ट में है. सो वी विल से honey gatherers earn approximately so much of money from each harvest, लेकिन but however लेकिन potential is limited. अच्छा खासा पैसा है लेकिन potential तो limited है. and then you carry on, आप because से carry on करोगे, क्योंकि limited क्यों है, because उसको बता रहा है. बाकी दो sentence को जोड़ने का काम but और however कर रहा है. Okay, for this one, the answer is first and the second one. Since because की family में जाता है जो कि cause effect relationship को बताता है. वापस से अगर आप A और B पढ़ें यहाँ पर, it says intensification could help Congo Basin countries to meet food security and poverty alleviation goals. It can help to avoid that coming at the cost of forest and biodiversity loss, additional environmental policies will be required as well. एक तरफ मदद हो सकती है intensification से, ठीक है, और दूसरी तरफ बात हो रही है to avoid that coming at the cost of, यही वाली चीज़ जो कि किसके cost पर आ रही है, biodiversity और forest loss के, additional policies भी required होंगी, ठीक है. So हम sentence बनाएंगे although, हालांकि intensification could help, हालांकि देखो although का placement और but का placement हमेशा अलग अलग होता है. although पहले पे लगेगा, a के साथ लगेगा, जो बात mainly है, condition क्या है, intensification मदद कर सकता है, although intensification could help, comma b वाला sentence आ जाएगा to avoid this all kind of loss, additional policies लगाने पड़ेंगे. तो ये वाली बात हो गई. फिर हम देखते हैं but, इंटेंसिफिकेशन मदद तो कर सकता है लेकिन बट टू अवॉइड दैट कमिंग एट द कॉस्ट. दैट कमिंग मतलब ये मदद जो कि आ रही है कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस के बल पर. सो दैट्स व्हाई बट जो रहेगा, जो बात उल्टी गई, जो कंट्रास्ट में गई, ऑपोजिट गई, उसमें लगेगा. सो टू सेंटेंसेस आर देयर, एक तरफ मदद तो हो रही है लेकिन देयर इज ऑलवेज अ बट, किस कॉस्ट पे हो रही है उसको कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, बट इधर से
बी के साथ में एंड ऑल दो ए के पहले राइट सो ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन बट स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस सेशन आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल ऑल ऑफ यू Be quick. I know some or the other way you might be taking time. So that's the reason I keep saying be quick. Also a habit from my plus classes. So the right answer over here we have is first and the third one. A bolta hai, most of the production is on very small scale farms by farmers who are often limited in terms. So most of the production is on very small scale farms and by whom? By those kind of farmers who are often limited. Second says yields on these farms are very low compared to what they could be. To ye kya hua? Cause effect. Kyun kam hai? Kyunki ye kam hai. Right? So and since dono kyunki ko batata hai. Cause effect ko batayega. To pehle bolenge hum since most of the production is on very small scale कम स्केल पर है वेरी स्मॉल स्केल फार्म्स पर है तो कमी उत्पाद होगा यील्ड्स भी कमी होंगी दैट इज सो लॉजिकल सो वी गेट टू सी सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल यील्ड्स ऑन दीज फार्म्स आर वेरी लो कंपेयर्ड टू सो ए को एक्सप्लेन कर रहा है तो सिंस हम यहाँ पे लगाएंगे एंड जो आपको दिया हुआ है फॉलोड बाय बी और दूसरा बोलता है सो जिसका पोजीशन अलग होता है ये भी कॉज इफेक्ट को बताता है लेकिन सो जो है रिजल्ट को बताएगा एज अ रिजल्ट जो इफेक्ट रहेगा उसको बताएगा ओके सो इन दिस केस वी आर गोना से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑन वेरी स्मॉल स्केल फार्म्स सो इसीलिए यही रीजन है द यील्ड्स ऑन दीज फार्म्स आर वेरी लो सो लाइकवाइज यू डू दिस दीज क्वेश्चंस एंड आई होप दैट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन सच क्वेश्चन मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं मैंने इसको एक्सप्लेन करके फैमिलीज ऑफ कंजंक्शंस भी पढ़ाया है कनेक्टर्स भी पढ़ाया है सो हियर इज समथिंग अगेन इम्पॉर्टेंट और अभी मेरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बाकी है दिस इज समथिंग अदर जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है एनजीएम 10 इस कोड को आप नोट कर सकते हो बीट द प्राइस हाइक क्योंकि अभी आपको ज़्यादा फ़ायदा है अल्टीमेटली पूरे ईयर भर का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन एंड अकेडमी का सो इट्स गोना हेल्प यू इट्स गोना रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड आप अगर मेहनत करोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक करा एग्जाम राइट सो लेट्स क्रैक इट ऑल्सो आई एम सून कमिंग अप विद अ व्लॉग्स चैनल और उसके बारे में डिटेल्स जल्दी आपको दूंगी बट जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट वॉन्टेड टू गिव यू a heads up kind of a thing that soon there will be a vlogs channel and planning a lot of stuff for you in that as well that's it thank you so much do like share and follow me over here you can follow me on my social media handles which are there in the description box do check out my website as well take care all of you see you soon